नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपका जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट का डाउट है, जितना भी ये है, इसी क्वेश्चन में अगर आप देख लो तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जितना कॉन्सेप्ट है बस आप यही देख लो तो सारे क्वेश्चन बना सकते हो। ये मेरा चैलेंज है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये गारंटी है मेरा। जितने फॉर्मूले आते हैं वो भी आप सीख जाओगे। तो डिफरेंस, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो खुद से ट्राई करो, पहले पॉज करो वीडियो, ट्राई करो, मैं यही बोलूँगा, पहले वीडियो पॉज करें आप और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है, तभी आपको अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को देखने में, क्योंकि बना बनाया खिचड़ी सबको अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स आर इन द रेशियो 23:7। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल के लिए और जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, उसका डिफरेंस, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए और जो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, उसका डिफरेंस 23:7 है। ठीक है, समझ गए होगे ना। जो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स होता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स होता है PR² 100 का स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट में 3 + R/100। अच्छा, ये आप लोग के माथा में नहीं घुसा होगा, क्यों? जो लॉजिक के पीछे जाते हैं, जो फॉर्मूले के पीछे नहीं जाते हैं, वो यही पूछेंगे कि क्यों ऐसा, क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? डिफरेंस बिटवीन, जिनको करना है डायरेक्ट वो उनके लिए यह चीज़ डायरेक्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर होता है दिस। ये ऑलरेडी मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, ये चीज़ मैंने नहीं बताया तो वो चीज़ मैं आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये होता है दिस और ये होता है दिस। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। ठीक है ना, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। चलिए, क्वेश्चन में अगर पी प्रिंसिपल के बराबर है, पी अगर प्रिंसिपल है, ठीक है, पी अगर प्रिंसिपल है तो जो इंटरेस्ट होगा, आर इंटरेस्ट है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है वो मैं बता रहा हूँ, आर इंटरेस्ट है, तो पहला साल जो इंटरेस्ट लगेगा, जो पहला साल इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा साल और तीसरा साल, जो पहला साल इंटरेस्ट लगेगा वो होगा PR/100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट पहला साल। दूसरा साल इसी अमाउंट पे ये तो लगेगा ही, PR/100। तीसरा साल पी पे, यानी कि अमाउंट है ये, इस अमाउंट पे PR/100, ये तो होगा ही। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो अमाउंट है इस पे तो इंटरेस्ट लगता ही है, ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट मिल चुका है आपको उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा अगले बार। यही मिल चुका है पहले साल, तो यानी कि दूसरे साल इस अमाउंट पे भी हम इंटरेस्ट लगेगा, तो दूसरा साल ये है तो यानी कि इस पे लगेगा कितना, R%। तो PR/100 PR/100 होगा इंटरेस्ट लगेगा, तो यानी कि R² और दिस हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PR²/100 का स्क्वायर। कैसे होता है आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो ये हो गया, लेकिन जो डिफरेंस पैदा कर रहा है अमाउंट वो है ये, तो यही होता है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का क्या होगा, तीसरे साल में क्या होगा कि इस पे देखो जो अमाउंट मिल चुका है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि इस पे और इस पे, तीनों पे इंटरेस्ट लगेगा, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा तो ये होगा PR²/100 का स्क्वायर, फिर से PR²/100 का स्क्वायर, किस पे बन, इस पे लगा, इस पे भी लगेगा तो ये हो जाएगा PR³, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 100 का क्यूब। ठीक है, PR³/100 का क्यूब, नहीं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। देखो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 साल के, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो डिफरेंस पैदा कर रहा है ये अमाउंट, यानी कि 1, 2, 3 ये सिमिलर है, तो ये हो जाएगा 3 × PR²/100 का स्क्वायर प्लस PR³/100 का क्यूब। यहाँ से अगर हम PR² कॉमन ले लें, ये डायरेक्ट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
और कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 3 + R/100, जो कि मैंने शुरुआत में लिखा है। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये एकदम याद रखना, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो तीसरा और दूसरा साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिफरेंस का जो वैल्यू है वो है P R² / 100, अभी मैंने कराया था, और 3 + R/100, तीसरा साल का डिफरेंस, दूसरा साल का डिफरेंस P R² / 100 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, कितना है 27, 23:7, 23:7, 23:7। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो खुद से, और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स बताऊंगा कि सही है या गलत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन से, बस इस क्वेश्चन को नहीं सीखे, इस क्वेश्चन से आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए जो कौन सी CI में होता है, CI में जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप लोगों ने सीख लिया। ये होता है कॉन्सेप्ट, इसमें किसी तरह का फॉर्मूला यूज नहीं है, फॉर्मूला आया भी है तो कहाँ से आया है, उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।